आज के इस वीडियो में आपको BSNL और जियो सिम का 4G स्पीड यहां पर टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, जिससे आपको यहां पर क्लियर होगा कि किसका स्पीड आपको यहां पर ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर 4G एक्टिव करने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले बताता हूं कि किस मोबाइल में कौन सा सिम लगा हुआ है। अगर आप यहां पर सेटिंग में जाते हैं और दोनों सेटिंग में आप जाइएगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है BSNL मोबाइल और इसमें लिखा हुआ है जियो, तो दोनों पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने का सबसे पहले अगर आपको यहां पे 4G एक्टिव करना है तो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करता हूं। तो क्लिक करने के बाद अगर आपको यहां पे 3G पे एक्टिव किया हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, लेट पे एक्टिव कर लेना है, या 5G मोबाइल यूज कर रहे हैं तो प्रीफर 5G भी आप यहां पे कर सकते हैं, पर आपको ऊपर में सिर्फ 4G यहां पे दोस्तों शो होगा। फिलहाल मैंने यहां पे क्या किया है, लेट वाले ऑप्शन को यहां पे इनेबल कर लिया और यहां पे देख सकते हैं 4G यहां पे इसमें आ चुका है BSNL वाले सिम में। उसी प्रकार से मोबाइल नेटवर्क में जाना, इसको ऑटोमेटिक कर दीजिएगा तो आपको जियो 4G ऑटोमेटिक दोस्तों यहां पर आ जाएगा। अब जैसे आप यहां पे 4G को एक्टिव कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहां पे स्पीड टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, गूगल को दोनों में ओपन कर लेता हूं। तो फिलहाल यहां पे देख सकते हैं गूगल को मैंने ओपन कर लिया है और इंटरनेट स्पीड टेस्ट को यहां पे ओपन कर लिया है, और मैंने अपने दोनों मोबाइल में यहां पे अगर देखें तो मोबाइल डाटा को मैंने यहां पे ऑन करके रखा हुआ है। इसमें मैंने BSNL का सिम लगाया हुआ है, इसमें जियो का सिम लगा के रखा हुआ है और दोनों में 4G अभी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। देन उसके बाद दोनों पे रन पेज टेस्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे स्पीड टेस्ट दोनों का यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे जियो का देखें तो जियो का अभी जो आपको डाउनलोड स्पीड देखने मिल रहा है ये 13 से 14 MBPS के आसपास आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, और यहाँ पे बात करते हैं BSNL का तो देख सकते हैं BSNL का स्पीड आपको यहाँ पे शो हो रहा है और ये 1 MBPS से 2 MBPS के बीच में आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड 1 MBPS के आसपास यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपलोड स्पीड के बारे में बात करें तो जियो में आप देख सकते हैं अपलोड स्पीड आपको यहाँ पे लगभग 6 MBPS के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डाउनलोड का स्पीड आया है 12.9 और अपलोड का स्पीड आया है 0.5.85, ये स्पीड आपको मिल रहा है। और यहाँ पे BSNL के बारे में बात करें तो BSNL में 1 MBPS का डाउनलोड स्पीड देखने मिल रहा है और अपलोड स्पीड देख सकते हैं काफ़ी ख़राब यहाँ पे देखने मिल रहा है, 0.02 MBPS का अपलोड यहाँ पे स्पीड देखने मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 4G तो एक्टिव हो चुका है, पर 4G के हिसाब से अभी आपको यहाँ पे जो स्पीड है वो देखने को नहीं मिला। उसके अलावा सबसे बड़ा अभी BSNL में जो इशू मिला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जियो में यहाँ पे फुल नेटवर्क आ रहा है, पर अगर आप BSNL में जैसे 4G एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है दोस्तों वहाँ पे फुल देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए सेटिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ, मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाता हूँ, देन अगर आप यहाँ पे प्रीफेर नेटवर्क टाइप में जाइएगा और 3G को अगर आप यहाँ पे दोस्तों एक्टिव करते हैं तो 3G को एक्टिव करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे नेटवर्क फुल यहाँ पे शो हो जाता है, पर अगर मैं यहाँ पे 4G को अगर यहाँ पे एक्टिव करता हूँ तो 4G को एक्टिव करने के बाद होता क्या है कि जो नेटवर्क होता है वो आप यहाँ पे देखें 2 या 3 पॉइंट आपको यहां पे शो देखने मिलता है। तो जब तक ये फुल नेटवर्क यहां पे 4G में शो नहीं होगा तब तक आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा चलिए अगर मैं आपको यहां पे YouTube दोनों में ओपन करके दिखाता हूं कि YouTube दोनों में कौन सा सबसे पहले ओपन होता है, तो अगर मैं दोनों में यहां पे दोस्तों यूट्यूब को ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं दोनों में दोस्तों मैंने यहां पर यूट्यूब को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद अगर स्पीड देखे तो आपको यहां पर अभी BSNL में काफी स्लो स्पीड देखने मिलेगा। 4G दोस्तों यहां पर एक्टिव हो चुका है पर 4G वाला जो स्पीड है वो अभी भी आपको यहां पे शो नहीं होगा। तो BSNL में दोस्तों 4G यहां पे आ चुका है, पर क्या है कि अभी 4G उस हिसाब से नहीं देखने मिल रहा है, सिर्फ नाम का आपको यहां पे 4G देखने मिलेगा। स्पीड तो दोस्तों आपको सिर्फ 3G के हिसाब से ही यहां पे देखने मिलेगा। अगर 3G में चलाइएगा तो उससे ज्यादा आपको यहां पर स्पीड देखने मिलेगा। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, जैसे मैं यहां पर सेटिंग वाले ऑप्शन में जाता हूं और इसको दोस्तों अगर मैं यहां पर 3G में कर देता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीफेर 3G वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद फिर से अगर मैं यहाँ पे YouTube को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद देख सकते हैं मेरा 3G यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्पीड देखें तो 3G का स्पीड दोस्तों आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे दोनों वीडियो को अगर प्ले करता हूँ तो प्ले करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो दोस्तों आप यहां पे प्ले कर सकते हैं, वीडियो में आपको कोई भी इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो दोस्तों आप यहां पे प्ले कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको शॉर्ट देखना है या कोई भी चीज़ देखना है तो यहां पे स्पीड दोस्तों आपको BSNL में सही आपको देखने मिलेगा, 3G में भी सही आपको यहां पे देखने मिल जाएगा। बस दोस्तों यही इशू है कि 4G एक्टिव करने के बाद आपको यहां पे देख लेना है कि 4G सही तरीके से यहाँ पर दिया गया कि नहीं दिया, कि सिर्फ नाम का आपको यहाँ पर 4G देखने को मिल रहा है।